impact in India and around the world has been noticed and admired by many. We're also pleased he accepted our government's invitation, and I'm so pleased to have the opportunity to introduce him, the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi. नरेंद्र मोदी, चाहे आप ये नाम पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन ये सच है कि आज हर भारतवासी की जुबान पर यही नाम है। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी तक बिना अपने वोट बैंक की सोचे कड़े से कड़े फैसले लेने वाले इस प्रधानमंत्री के बारे में आज हर कोई छोटी से छोटी बात को जानना चाहता है, और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े अनसुने तथ्य। दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जन्म गुजरात के वाडनगर नामक छोटे से गांव में एक गरीब ओबीसी परिवार में हुआ था। नरेंद्र मोदी 6 भाई बहन थे, जिनमें वो तीसरे नंबर पे थे। घर की हालत सही नहीं थी, और इसके लिए उनके पिता को वाडकर रेलवे स्टेशन पर चाय तक बेचनी पड़ी। इसमें नरेंद्र मोदी भी उनकी मदद करते थे और रेलगाड़ियों में घूम घूम कर चाय बेचते थे। जी हाँ, ये वही चाय का किस्सा है जिसके बारे में विदेशों तक खबर पहुंची कि एक चाय वाला भारत का प्रधानमंत्री बन गया। इस बात को लेकर विरोधी दलों के नेताओं तक ने मोदी का मजाक उड़ाया। बिल्कुल नहीं, मैं आपको वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। लेकिन मोदी की सफलता के बाद चाय और चाय पर चर्चा तक शुरू हो गई। आमतौर पर जैसे आपका हमारा निकनेम होता है, वैसे ही नरेंद्र मोदी का भी था। बचपन में नरेंद्र मोदी को सभी लोग नरिया कहकर बुलाते थे। हालांकि उन्हें इस नाम का बुरा भी लगता था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को पलटकर कुछ भी नहीं कहा। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की माँ आज भी उन्हें प्यार से नरिया ही कहकर बुलाती है। पढ़ाई के मामले में नरेंद्र मोदी औसत रहे। भले ही वे कभी अपनी कक्षा में अव्वल ना आए हों, लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उनकी कक्षा में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी व उनके अध्यापक बताते थे कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता थे एवं अपने विचारों को दमदारी से पेश करने का हुनर रखते थे। साथ ही वे 1990 के दौरान अमेरिका जाकर पब्लिक रिलेशंस एंड इमेज मैनेजमेंट का कोर्स भी कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी को एक्टिंग का बहुत शौक था, और इसलिए उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान वे सरदार का रूप बनाकर लगभग 2 सालों तक पुलिस को छकाते रहे। जी हाँ, इस तस्वीर में मोदी जी ही हैं। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ते थे, जिसका उनके जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा, और उन्होंने सन्यासी जीवन जीने की सोच ली। मात्र 17 साल की उम्र में वे घर से बिन बताए भागकर आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकल पड़े। लोग अक्सर इस बात का मजाक उड़ाते रहे हैं कि मोदी खुद को गरीब बताते हैं, जबकि ये बात 100% सच है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते न सिर्फ मोदी के पिता ने चाय बेची, बल्कि उनकी माँ को भी लोगों के घर पर जाकर बर्तन साफ करने पड़े। बचपन में नरेंद्र मोदी की सगाई पड़ोस में रहने वाली जशोदा बहन से तय कर दी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी के सर पर तो देश सेवा का फितूर सवार था। वो घर की जिम्मेदारी में न बंधकर अपने देश सेवा का सपना पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो शादी ठुकरा दी और साथ ही घर भी छोड़ दिया। उनकी पत्नी जशोदा बहन को आज तक इस बात पर एतराज नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनका साथ छोड़ा, बल्कि उन्हें गर्व है कि नरेंद्र मोदी ने देश सेवा के लिए अपनी शादी का त्याग किया। सन 1972 में नरेंद्र मोदी जी ने अहमदाबाद पहुंचकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ज्वाइन कर लिया और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। फिर 1990 के दौरान नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने 13 सालों के मुख्यमंत्री काल के दौरान एक भी छुट्टी नहीं ली। इसके बाद वर्ष 2014 में लोकसभा का चुनाव जीतकर भारत के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण कर लिया और देश की सेवा में जुट गए। मौजूदा समय में मोदी फेसबुक और ट्विटर पर सबसे प्रसिद्ध राजनेता और सेलिब्रिटीज में से एक हैं। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।